नमस्कार, जनटीवी में आप सभी का स्वागत है। समय खास खबर का हो चला और खास खबर में आज हम राजस्थान में एक सीट पर उपचुनाव हुए हैं, वोटिंग हो गई है, सरदार शहर की सीट। और इस सीट पर काफी अच्छा रोचक मुकाबला भी हुआ, त्रिकोणीय मुकाबला भी बना और स्थितियां ईवीएम में कैद है। अब फिलहाल जनता के मन में सरदार कौन बना, क्योंकि कल वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग होने के बाद में अब तमाम जो उम्मीदवार हैं, 10 उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में थे, उनका जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद यहाँ पर है। तो ऐसे में ये सीट काफी रोचक कही जा सकती है, और खास इसलिए भी है कि राजस्थान में इसके बाद एक साल बाद चुनाव होने हैं, विधानसभा का मिशन 2023 कारण, जिसको लेकर फिलहाल पार्टियां भी तैयारी कर रही है। लेकिन ये नतीजे जो है वो 2023 पर इम्पैक्ट, हालांकि डालेंगे कितना ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी इसको सेमीफाइनल के तौर पर माना जा सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में माधुराम चौधरी जी, बीजेपी से जुड़े हुए, मेरे सहयोगी और सरदार शहर से हमारे जो पत्रकार हैं गजेंद्र सिंह, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस से थोड़ी देर में पंकज शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ेंगे। मानिल सेन, चर्चा आज इस सरदार शहर सीट को लेकर करेंगे। काफी रोचक मुकाबला हुआ, तमाम पार्टियों ने जोर आजमाइश की और एक तरह से लगा तमाम पार्टियों के जो वोटिंग होने के बाद में दावे जिस तरह से हो रहे हैं, बीजेपी की कह रही है कि हम जीत रहे हैं, कांग्रेस का दावा है कि इतिहास देख लीजिए, इस सरकार का देख लीजिए, पिछले सरकार का देख लीजिए, जिस तरह का चुनाव नतीजा रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में रहा है। तो ये जो गणित है, इस गणित के बीच में हनुमान बेनीवाल की जब पार्टी आरएलपी आती है तो वो रोचक मुकाबला यहाँ पर करती है, लेकिन अब डैमेज किसको कर रही है वो पार्टी, ये देखने वाली बात यहाँ पर होगी। फिलहाल सबसे पहले गजेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, अच्छा मुकाबला हुआ, आपने काफी करीब से भी देखा, वहां पर रहे भी आप, चुनाव प्रचार भी देखा, चुनाव की स्थितियां भी देखी हैं, क्या लगता है किस तरह का मुकाबला ये उपचुनाव पर रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार सरदार शहर का ये अंतिम विधानसभा उपचुनाव था तो कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी तीनों के लिए काफी अहम चुनाव था और काफी जबरदस्त यहाँ पर चुनावी माहौल रहा। हालांकि सरदार शहर में जो रेला मेला है वो समाप्त हो चुका है, 8 सितंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में आरएलपी कामयाब हुई। जिस प्रकार से आरएलपी की सभाओं के अंदर भीड़ उमड़ी, जिस प्रकार से आरएलपी सुप्रीम हनुमान बेनीवाल का जादू असर कर बोला सभाओं, वैसे वैसे कुछ मतदाताओं को रुझानी दंती भी ने डालने की कोशिश की, गांव के हाथ के अंदर भी हमने कोशिश की क्या की मतदाताओं किस प्रकार से मतदान किया। तो गाँव ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो जबरदस्त तरीके से आरएलपी ने भाजपा और कांग्रेस को तीन दोनों दलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, बंपर वोटिंग है वो आरएलपी के पक्ष में यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। क्या इन इस उपचुनाव के अंदर मुद्दों की राजनीति हुई, क्या सत्ताधारी पार्टी ने विकास विजन और जिस तरह से बीजेपी लगातार जो फेलियर सरकार का यहाँ पर था उसको यहाँ पर मुद्दा बनाया, जनता के बीच में क्या इश्यू थे क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि तीनों दलों के उससे प्रयास ही किए गए थे कि सहानुभूति के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। हम कांग्रेस की बात कर, कांग्रेस के दो जो है जो प्रत्याशी अनिल शर्मा, उनके पिताश्री का निधन हो गया था 9 अक्टूबर को, विधायक पंडित भोला शर्मा का, उसके बाद में कांग्रेस की ओर से सहानुभूति कार्ड चला गया और अनिल शर्मा प्रत्याशी बनाया गया। जिसके बाद हालांकि भाजपा की ओर से भी यही सहानुभूति का कार्ड चला गया, भाजपा प्रत्याशी जो अशोक पिंटा वो सरदार शहर के अंदर 5 चुनाव बीजेपी की ओर से लड़ चुके हैं, जिसमें से 1 के अंदर उन्होंने जीत हासिल की है और 4 चुनाव उन्होंने में उनको हार का सामना करना पड़ा। तो उसमें उनका भी कहना था कि मैं 4 चुनाव हार चुका हूं तो इस बार आप मुझे मौका दीजिए, और एक सभा के अंदर वो उनके आंसू भी बह निकले थे और भावुक होते हुए नजर आए। इसके अलावा आरएलपी की बात करें तो राजन गुंड है, उन्होंने भी लगातार आरोप कांग्रेस के ऊपर कि मुझे पिछले 35 सालों से परेशान किया गया, मेरे के मुझ पर आरोप लगाए गए, मुझसे झूठे केस मुकदमे किए गए, तो वो भी भावुकता का कार्य चला। हालांकि पूरे चुनाव की बात करें तो भावुकता जैसा कोई इस चुनाव में नजर नहीं, सहानुभूति का कार्य किसी भी पार्टी का नहीं चला, पूरा का पूरा चुनाव है वो जातीय आधार पर लड़ा गया, पूरा का चुनाव वो जातियों के ऊपर चला गया। जी, माधुराम जी के पास आना चाहूंगा। माधुराम जी, आपने तो काफी करीब से चुनाव देखा, वहां पर कैंपेनिंग भी किया, प्रचार भी किया है, हालांकि इस सरकार में देखे या पिछली सरकार में देखे नतीजे आपके पक्ष में बेशक नहीं रहे होंगे, लेकिन हर चुनाव पार्टी के लिए काफी अहम होता है, इस सीट को कैसे देखते हैं आप? जीत का दावा तो करेंगे आप, लेकिन जिस जीत का जो आधार है वो क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये चुनाव लाल जी के देवासन के बाद में, जब चुनाव सबसे पहले जब चुनाव की तिथियां घोषित हुई तो भारतीय जनता पार्टी के अभी पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड पे देखते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक बार चुनाव जीती है, परंतु हमने हमारे संगठन की ताकत और हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था उसकी साफ छवि, बेदाग छवि, और संगठन ने जिस प्रकार चुनाव लड़ा उसके बाद में अशोक गहलोत जी को
पसीने ला दिए, उनके बार बार मंत्री यहाँ पे आए, उनकी सरकार के सत्ता का पूरा उन्होंने दुरुपयोग किया और अशोक गहलोत जी को दोबारा आना पड़ा और दोबारा आके लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ा कि भंवरलाल शर्मा जी जो उनके खिलाफ एक बार उनके खिलाफ चले गए थे गुड़गांव में, तो उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं जनता के मन में ये नहीं हो कि मेरे को लोग उनके भंवरलाल जी खिलाफ थे तो ये लोग मेरे खिलाफ नहीं हो जाए, तो उन्होंने ये विश्वास आके अनिल शर्मा जी के कंधे पे रख के और बार बार ये कहा कि भंवरलाल जी शर्मा ने यहाँ काम कराया है, हम आपको काम कराएंगे। और आपने ये भी सुना होगा कि जब अशोक गहलोत जी वहां से मीटिंग करके वापस जाने लगे तो लोगों ने हाय हाय के नारे भी लगाए। यहाँ की जनता अगर जाके बात करें, जनता के मुद्दों की बात करें, तो जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है, सरकार से दुखी है, चाहे किसान वर्ग या बड़ा एक वर्ग है, पूरे वर्ग में लाइट नहीं मिल रही है, उनको कोई भी सुविधा के नाम पर अगर सड़क की बात करें तो गाँव का बुरा हाल है। तो ये जो सारी योजना जो पिछली सरकार की थी, सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप यहाँ पर है, क्योंकि अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि आपकी सरकार थी, आपके ऊपर भी इसी तरह के आरोप लगे, लेकिन उस समय कांग्रेस फाइट में निकल गई। क्या ये किस तरह का दुरुपयोग होता है इस चुनाव के अंदर? उपचुनाव अगर खासतौर से होता है तो उसमें इस तरह के आरोप ज्यादा लगते हैं। आपने लोकल वहां पर प्रचार किया है, क्या आरोप जो आप लगा रहे हैं, किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग यहाँ पर किया गया है? देखिए, अशोक जी के सामने प्रताप सिंह खाचरियावास जी का जिस प्रकार भाषण था, उन्होंने पब्लिक को धमकाने की कोशिश की, ये भी कहा गया कि भाई हम यहाँ पे जो उन्होंने राजेंद्र जी ने स्टेटमेंट था उनके खिलाफ में वो बोले कि हम उनका इंजन बंद कर देंगे, पब्लिक को कहीं ना कहीं भयभीत करने की कोशिश की, परंतु पब्लिक यहाँ से आरोप है आपने सरदार सर उपचुनाव को सही तरीके से नहीं लड़ा, बीजेपी के माधुराम जी आपके सामने कह रहे हैं, और ये भी दावा है कि जिस तरह से धमकाया गया वो चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सही नहीं है, क्या कहेंगे, क्या दुरुपयोग किया आपने पावर का? देखिए, कांग्रेस कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करती है, कांग्रेस नीति और पे चुनाव लड़ती है और कांग्रेस की नीयत बिल्कुल साफ है, कांग्रेस विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, किसी भी और पार्टी जैसे जो हमारी विरोधी पार्टी वहां चुनाव लड़ती तो वो सिर्फ जाति के वजह से चुनाव लड़ती, धर्म जाति वर्ण का वर्ग का भेद कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले कुछ सालों में वहां काम किए हैं, विकास के काम किए, भले हॉस्पिटल के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, पानी के लिए हो, बिजली के लिए हो, किसान के लिए, युवाओं के लिए, इनके कामों के ऊपर कांग्रेस ने वहां वोट मांगा है। और कांग्रेस के वहां जो आदरणीय भंवरलाल शर्मा जी पहले प्रत्याशी थे, विधायक रहे, उनका इतना अच्छा काम है कि उसी पे हम लोगों ने वोट मांगा। और क्योंकि विधायक जी का एक साल का कार्यकाल बाकी था तो उनके परिवार से हम लोगों ने टिकट दिया, हमने किसी तरीके का ना तो सहानुभूति लेने की कोशिश की, सिर्फ हमने अपने मुद्दों की बात की, विकास कामों की बात की और विकास कार्य पे हमने चुनाव में अपना वोट मांगा। और हमें उम्मीद है कल जिस प्रकार से हमें कल जिस प्रकार से हमें समर्थन मिला है, हम हमारा कैंडिडेट जीतने जा रहा है। बूथ लेवल की वहां की गणित आप मंगवा रहे हैं, स्थिति क्या लगती है आपको, क्या रिपोर्ट आ रही है आपकी? दीदी, हम लोग तो बिल्कुल सीधे बहुत अच्छे मार्जिन से वहां चुनाव जीत रहे हैं, ये कल ही क्लियर हो गया, 8 तारीख को आप लोग सब लोगों के सामने विधिवत रूप से सामने होगा कि वहां कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से जीती है और बीजेपी वहां तीसरे नंबर पर जाती हुई नजर आ रही है फिलहाल के जो समीकरण हमें नजर आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है? वोटिंग तो अगर देखा जाए तो रुझान पिछले बार के मुकाबले कम लग रहा है। पंकज, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए 72% वोटिंग हुआ है, रुझान तो ज्यादा नहीं है पब्लिक का रुझान जो था, अगर वोटिंग ज्यादा होती तो लगता है कि शायद वोट कास्ट करना चाहिए, पोलिंग बूथ तक पिछली बार तक जो लोग पहुंचे थे उतने नहीं पहुंचे। देखिए, निसंदेह पोलिंग कम हुई है पिछले बार के कंपैरिजन में, जो 2018 का चुनाव था उसके कंपैरिजन में, लेकिन हमें मान के चलते हैं कि बहुत हद तक लोगों ने कांग्रेस के विकास पे और सुशासन के नाम पे वोट किए होंगे। और चूंकि वहां पिंचा जी खुद लड़ने के इच्छुक नहीं थे, वहां संगठन भी ज्यादा सक्रिय, आपने देखा होगा इनके 30 से ज्यादा स्टार प्रचारक तो वहां पहुंचे भी नहीं है, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए सतीश पूनिया जी गए, सतीश पूनिया जी ने खुद ने भी जवाब दिया कि उपचुनाव तो कांग्रेस जीती है, तो ये उनका मनोबल बता रहा था कि चुनाव लड़ने के जीतने के इतने ज्यादा इन्होंने मेहनत की नहीं। और क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो आम जनता के खिलाफ है, भले पेट्रोल के दाम ले लीजिए या सिलेंडर के दाम ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए, किस नाम से किस मुंह से वोट मांगेंगे, तो वो कांग्रेस वहां अपने कैंडिडेट को जो उतारा, उनके पिताजी भंवरलाल शर्मा जी सब उन्होंने लगातार वहां काम किया, आपने देखा पिछले 9 बार वहां कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है 15 चुनावों में से, तो कांग्रेस की वहां वस्तुस्थिति बहुत अच्छी है और कांग्रेस वहां चुनाव जीती नजर आ रही है। मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि वहां बीजेपी तीसरे स्थान पर जाएगी। तीन रोड शो आखिरी दिन पर हुए और पब्लिक को वोटिंग करने के लिए उत्साहित भी किया गया, लोकतंत्र के पर्व में पहुंचे वो भी स्थितियां बनी, लेकिन
3% से भी ज्यादा वोट कम हुए, 4% के करीब वोट कम कास्ट हुए पिछली बार के मुकाबले। आपको लगता है कि वहां की पब्लिक वोटिंग करने क्यों नहीं पहुंचे, कुछ कारण यहाँ पर है अधराम जी? देखिए अभी मेरे मित्र ये दावे कर रहे हैं, दावे तो समय आने पे पता चलेंगे। उपचुनाव की मैंने पहले भी कहा परिस्थितियां अलग होती है, उसके मुद्दे भी अलग होते हैं। और अगर सरकार की बात करें तो सरकार तो फिर आपने पंचायती राज चुनाव के अंदर जिस प्रकार आपकी हालत हुई, अगर सरकार की आप बात करें तो आपने और आपके लोगों ने किस प्रकार जनता को मजाक बना के रख दिया। आपके रिट के पेपर की पेपर लीक हुए और लीक होने के बाद में आपने आपके लोगों की जहां जांच करानी थी वहां जांच ही नहीं करा पाए। बेरोजगारी की आप बात करते हैं तो राजस्थान हिंदुस्तान में प्रथम नंबर पे है। अगर आप एससी एसटी के मुकदमों की बात करते हैं तो सबसे प्रथम नंबर पे है। सात महिलाओं के साथ में रोज हत्याएं हो रही है, उनके रेप हो रहे हैं, 18 महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। एससी एसटी के मुकदमों में राजस्थान हिंदुस्तान में प्रथम है। राजस्थान की जिस प्रकार इन्होंने हालत कर रखी है और राजस्थान की ख्याति को नुकसान पहुंचाया है, जनता आने वाले समय में इनको माफ नहीं करेगी। इस बात का इनके पास में कोई जवाब नहीं है। ये तो आपस में एक दूसरे को अशोक जी और सचिन पायलट की अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए ये मुद्दे उपचुनाव में यहाँ पर काम किए, इसमें भी कुछ सबक सिखाना चाहिए जनता, आपको लगता है आप वहां थे? देखिए जनता, मैंने कहा उपचुनाव में परिस्थितियां अलग होती है। उपचुनाव में कोई मुद्दे ज्यादा काम नहीं करते, वहां पर सहानुभूति ज्यादा काम करती है। और जो मर्तक होता है उसके प्रति कहीं ना कहीं उस चीज को अपने को मानना पड़ेगा कि अगर इनमें ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे थे तो अनिल शर्मा के अलावा टिकट देते, ये पता चलता कि भाई इनकी क्या हालत है, इनकी क्या स्थिति होती। पर ये उसी जब भंवरलाल जी शर्मा इनके खुद के खिलाफ में, अशोक गहलोत के खिलाफ में थे तो अनिल जी शर्मा को क्यों दे रहे थे? फिर दूर से बहुत सारे मांगने वाले थे, किसी को टिकट देते तब पता चलता इनकी ताकत कितनी है, सरकार का विकास कितना है, कितना इन्होंने डेवलपमेंट कराया है। युवा बेरोजगार और कितने इनके साथ में, यहाँ तो सीएचए के सारे लोग यहाँ घूम रहे थे, बेरोजगार बेचारे सारे यहाँ पे घूम रहे थे। परंतु उपचुनाव की थोड़ी परिस्थितियां अलग होती है भैया। मैंने पहले भी कहा कि उपचुनाव में जब कोई खत्म होता है तो उसके प्रति ये हिंदुस्तान की और राजस्थान की विशेष तौर से एक संस्कृति है कि उसके प्रति एक संवेदना होती है परिवार के प्रति। और वो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये उसका मर्तक है, उसको पगड़ी का या ऐसा, क्योंकि हमने भी जब राजसमंद का चुनाव था तो किरण जी की बेटी को चुनाव लड़ाए तो वहां पे हम चुनाव जीते। दरियावद में हमने भी चेंज किया तो हमारे पक्ष में नहीं रहा वो चुनाव। तो यहाँ की थोड़ी सी जो संस्कृति है लोगों की, वो थोड़ी सी आस्था की संस्कृति है और लोग इस चीज में विश्वास करते हैं। बाकी मुद्दे इनके पंचायती राज चुनाव में इन्होंने क्या किया, पंचायती राज चुनाव में हमने 18 जिला प्रमुख बनाए और वो भी ग्रामीण एरिया में बनाए, जहां भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण स्तर पर मजबूत नहीं है। तो क्या ये माने कि ग्रामीण एरियो में ये साफ हो चुके हैं, इनके पास में कोई जलाधार नहीं बचा है? नगर पालिका के चुनाव में एक एक सीट के दो दो डिवीजन कर दिए इन्होंने जीतने के लिए, और ऐसे ऐसे एक तुष्टीकरण करके, और ऐसे समुदाय के बड़े वार्ड थे उनके छोटे छोटे वार्ड बनाए, एक वर्ग हिंदू विशेष के उन्होंने वार्डों को बड़े बड़े वार्ड बना दिए, ऐसे करके चुनाव लड़े 5 साल में। तो इनकी स्थिति बहुत खराब है, अपने खुद के मुख्यमंत्री परसेंटेज कम हुआ है। गजेंद्र जी आपने लोकल में देखा होगा, पहले आप बता रहे थोड़ा रुझान है वोटिंग परसेंटेज कम होने के मायने, और दूसरी एक चीज और, मतदान के ठीक एक दिन पहले सीकर में जो गैंगवार होता है, क्या इस तरह का इश्यू पब्लिक के बीच में वोटिंग के दौरान था, क्या उसका भी कोई मैसेज था, उसका कुछ चुनाव में पड़ सकता है? बिल्कुल, राजू थिएटर विकास से सीकर के अंदर एक दिन पहले मर्डर हुआ, उसका राज्य विधानसभा चुनाव के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे पास आंकड़े हैं पूरे इस प्रकार से, इस टोटल राज्य विधानसभा चुनाव के मतदाताओं की बात करें तो 289,843 मतदाता टोटल थे इसके अंदर। पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 152,766 मतदाता पुरुष मतदाता थे। महिला मतदाताओं की बात करें तो 137,077 मतदाता महिला मतदाता थे, बूथ टोटल 295 थे। वहीं औसत बात करें कितने प्रतिशत मतदान हुआ तो 72% मतदान है सरदार शहर विधानसभा के इस उपचुनाव में। और इसके अलावा 2018 की हम बात करें तो 2018 में 76% मतदान हुआ था, और 2013 की हम बात करें जो कम रहा है, ये वजह कोई आपको लगता है कि कुछ स्पेसिफिक वजह वहां पर रही है, फिर उत्साह नहीं बन लोगों को पोलिंग बूथ तक खींच नहीं पाए वहां के उम्मीदवार, क्या वजह मान? देखिए एक तो विधानसभा उपचुनाव था, दूसरा शादियों का सीजन बहुत ज्यादा था तो लोगों ने रुचि कुछ कम दिखाई, शादियों में ज्यादा सीजन चलते भी कुछ मतदान कम हुआ। हालांकि 2013 के अंदर भी 74% मतदान हुआ, लेकिन काफी कड़ा मुकाबला है। और मैं आपको बता दूं कि जन टीवी ने यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड तहसील के अंदर जन टीवी गया है तो सामने ये है कि मैं आपको बता दूं कि
चार से पांच हजार वोटों के अंदर ही हाजिर का फैसला होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा। इस प्रकार से कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि 20,000 प्लस हम जीत सकते हैं, 30,000 प्लस जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चार से पांच हजार वोटों का ही हाजिर का अंतर रहेगा। आरएलपी ने दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ा है। हालांकि आरएलपी खुद है वो तीसरे नंबर पर जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने काफी कड़ी चुनौती पेश की दोनों पार्टियों के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आरएलपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, और यदि 10 से 15,000 वोट शहरी क्षेत्र के अंदर आरएलपी ले जाती है तो आरएलपी जीत सकते हैं। लेकिन आरएलपी 5,000 वोटों के अंदर ही सिमटी हुई शहरी क्षेत्र में दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र का आरएलपी का प्रभाव रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में आरएलपी का, वो शहरी क्षेत्र में असर नहीं दिखा पा रही है। यदि शहरी क्षेत्र में वैसा ही प्रभाव रहता तो निश्चित रूप से आरएलपी खेल बिगाड़ सकती थी दोनों पार्टियों का। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के अंदर सीधा मुकाबला है, और 4 से 5,000 वोटों का ही हाजिर का फैसला रहेगा। जी जी, हमारे सहयोगी को आपने सुना, क्योंकि इन्होंने चुनाव को काफी करीब से देखा भी है, हर पॉइंट की खबर जो है वो तय तक जाकर दी है किस तरह का चुनाव यहाँ पर रहेगा। कांग्रेस दावा कर रही है कि 30,000 की लीड से जीतेंगे, और हमारे सहयोगी करेंगे 10,000 की अधिकतम लीड यहाँ पर हो सकती है। और दूसरा, क्या आप मानते हैं कि जो चुनाव है 2023 से पहले कांग्रेस, क्योंकि सेमीफाइनल मान गई कुछ चल रही है, तो लगता है आपको कि ये जो रुझान रहेगा, ये पब्लिक का जो वोटिंग के जो परिणाम यहाँ पर आएंगे, आपको लगता है कि इसी तरह के नतीजे कुछ अगर सेमीफाइनल मान लोगे तो फाइनल के लिए इस तरह का कुछ रुझान? पंकज जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जो चुनाव है इसे हमने सेमीफाइनल मान के ही चुनाव को लड़ा है, और हमने बिल्कुल विकास के मुद्दे पे से चुनाव लड़ा है। और जो पार्टियां हैं उन्होंने जाति वर्ण वर्ग भेद की राजनीति यहाँ पर की है। किसी ने किस जाति के नाम पे चुनाव लड़ा, किसी ने किस इमोशंस के नाम पे चुनाव लड़ा, सहानुभूति के नाम पे चुनाव लड़ा। हमने सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में विकास के मुद्दों की बात की है। हमने हमारे विधायक समाज देखें, सहानुभूति का जो फैक्टर रहा है टिकट वितरण से लेकर देखा जाए, तमाम जो कैंपेनिंग रही है ये फैक्टर कहीं भी पीछे नहीं हटा है। तमाम उपचुनाव देख लिए जाए राजस्थान में इस समय इस सरकार के अंदर देखा जाए तो सात चुनाव में अगर अधिकतर चुनाव को देखा जाए तो सिंपैथी फैक्टर रहा है। और यही वजह रही है कि पार्टी ने जो टिकट दी है वो शायद जो पिछले जो नतीजे रहे हैं उनको देखते हुए यहां पर दिए, तो सिंपैथी फैक्टर को नहीं नकारा जा सकता। लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको कि ये जो नतीजे रहेंगे, जनता का जो रुझान यहां पर रहेगा 2023 तक बरकरार कांग्रेस के लिए रह पाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे कांग्रेस का जो ये मोमेंटम यहाँ मिलेगा वो बिल्कुल बरकरार रहेगा। और हम, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, सेमीफाइनल तो हम जीत ही रहे हैं, 2023 का चुनाव भी जीतेंगे, क्योंकि जो हम योजनाएं लेकर आए हैं वो आम आदमी के आखिरी कतार में बैठे आम आदमी को की सेवा करती है। भले वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चिरंजीवी योजना हो, दूध उत्पादकों के लिए योजनाएं हो, स्वास्थ्य की बातें करनी हो, शिक्षा में हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले हैं, कॉलेजेस हम लोगों ने ओपन किए हैं, इसके अलावा हम लोगों ने किसानों के लिए बहुत सारा काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, युवाओं की नौकरियां प्रोवाइड करवाई है, जो हम लोगों ने वादे करके जो करके आए थे, जो घोषणा पत्र हम लोगों ने दिया था 2019 के चुनाव में, उसमें से 90% वादे हम लोग पूरे कर चुके हैं। और अभी 2 महीने बाद हमारा बजट आने वाला है, उसमें जो रही सही कसर हमने वो भी पूरी कर देंगे। घोषणा पत्र शायद इतना कारगर नहीं होता है। मधुराम जी, कांग्रेस उत्साहित है, आपके मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ बैकफुट पर आप लोग हैं, लेकिन फिर भी चुनाव है, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस भी जुटी हुई है, ये जो नतीजे हैं क्या लगता है आपको कि ये कुछ तय कर पाएंगे दशा और दिशा? क्योंकि अगर 2018 का चुनाव देख लिया जाए, ज्यादा अंतर नहीं था, 0.5% वोटिंग के अंतर से कांग्रेस लीड करके गई थी, और अगर देखा जाए 200 सीटों में उस समय 99 कांग्रेस के पास आई थी। तो आपको 23 की तस्वीर क्या लगती है इन चुनावों को देखकर, इसके नतीजों को देखकर? देखिए सर, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, इनके खुद के मंत्री विधायक कह रहे हैं कि हम एक गाड़ी में बैठ के और फॉर्च्यूनर में चले जाएंगे, ये तो हम नहीं कह रहे, ये खुद ही कह रहे हैं, तो इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये चीज तो होनी है धरातल पे, पर मैं कुछ चीजों के लिए बोल दूंगी। देखो 100 गहलोत जी नहीं, वो तो जनता ने तय कर चुकी है और मानस बना चुकी है कि किस प्रकार का इनको रिजल्ट देना है, और आने वाले समय में 2023 में तो इनका सूंकड़ा साफ हो जाएगा। ये मैं कह दूं कि 20 या 30 सीट से ऊपर चली जाओ तो हमें कह देना आप, पर ये तो जनता का मानस, जिस प्रकार इन्होंने ठगा, 2 लाख रुपए की कर्ज माफी की बात की, इन्होंने बिजली सस्ती की बात की, युवाओं को रोजगार देने की बात की, तो सारे मामले में फेल हुए हैं ये। और इन्होंने ज्यादातर क्या किया है, जो पिछली बार वसुंधरा जी की योजनाएं थी उनके नाम ही तो बदले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। टोल हमने खत्म किया, इन्होंने लागू किया, तो इन्होंने जो इंदिरा रसोई चलाई थी वो हमारी अन्नपूर्णा योजना थी, किसानों के नाम पे जो 10,000 रुपए दे रहे हैं वो हमने चालू किया था, इन्होंने आके 3 साल बंद किया फिर चालू किया, तो इन्होंने क्या क्या है। हमारी गौरवपति योजना 1-1 करोड़ की 1-1 गांव में चलती थी, इन्होंने वो सारे गांवों का सत्यानाश कर दिया।
तो कहने का मतलब इनके कहने का कोई वो नहीं मरता, और आने वाले समय में ये तो जनता तय करेगी, मेरे कहने से भी नहीं होता, पर मैं ये आपको बता दूं कि एक दर्शक भी सारे देख रहे होंगे, जनता इस राज से इतनी बुरी तरह से तर्त हो चुकी है, आने वाले चुनाव का इंतजार कर रही है कि कितने दिनों बाद में चुनाव आता है, चुनाव आने पर इनको सबक भी सिखा देगी। आप ये मुद्दे चुनाव के बीच में ये तमाम इश्यू जो आप बता रहे हैं ये विधानसभा चुनाव में मुद्दे बनेंगे, जनता की आवाज बनेगी? मैं बिल्कुल आवाज बनेगी, मुद्दे सारे बनाएंगे, पर मैं एक बात कहूं कि जब यहाँ पे अशोक गहलोत जी आए उन्होंने एक भी अपनी स्कीम का नाम नहीं लिया पूरे भाषण में, एक भी स्कीम का, जरूर मोदी जी का इन्होंने 10 बार नाम लिया, बाकी इन्होंने ऐसा कोई भी नाम नहीं लिया कि मैंने ये आप लोगों के बीच में कर दी या ये मेरी योजना होती, एक भी योजना होती तो वो गिनाते अपनी योजनाओं को, तो पूरे भाषण में एक योजना नहीं है, तो अपने आप में कहने से नहीं होता, धरातल पे नीचे विकास दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है इनका। पंकज जी का यह था कि आपके स्टार प्रचारक अधिकतर नहीं पहुंचे, क्या वजह रही है, सीरियसली नहीं लिया आपने इस चुनाव? इन्होंने तो अपनी पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं पूछा, पूर्व मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? आप वसुंधरा राजे तो गई तक नहीं वहां पर। अजय पंकज जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की चिंता हम करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप तो अपने मुख्यमंत्री, वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी जितनी चिंता आप करेंगे उतनी मैं भी करूंगा। आपने पंकज जी नकारा, निकम्मा, नीच, क्या क्या कहोगे आप उनको यार, आपने तो भाषा और संयम जो एक राजस्थान की संस्कृति बहुत प्यारा बोला जाता है यहाँ पे, चाहे कितना भी हो जाओ, जोधपुर के अशोक गहलोत जी होते हुए भी वहां तो गाली भी देते हैं तो प्यार से देते हैं, आपने तो आपके उप मुख्यमंत्री की सारी सीमाएं तोड़ दी, और आज आप ये कह रहे हो कि हमारे मुख्यमंत्री की चिंता कर रहे हो, आप अपनी गरीबान में झांक के देख ले, आप अपने मंत्रियों पे कंट्रोल कर ले, अपने कार्यकर्ताओं पे कंट्रोल कर ले, उनकी भाषा पे कंट्रोल कर ले, आप उनके बोलने पे, हमारे कोई भी प्रोग्राम होगा तो हमारी भाषा सीमित होगी, और हमारे कार्यकर्ता और पार्टी का एक संगठित कार्यकर्ता होता है, हमारा संगठन काम करता है। अब रही बात के ये कहते हैं कि हमारे सारे स्टार प्रचारक नहीं आए, तो उपचुनाव में सारे स्टार प्रचारक कहीं नहीं जाते, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के ऊपर चुनाव, ताकत के ऊपर चुनाव लड़ती है, वो मजबूती से चुनाव लड़ा, चुनाव के नतीजे है वो ईवीएम में बंद है, आने वाला भविष्य बताएगा, वो तो दावे करने से कुछ नहीं होगा। छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा, चुनाव के नतीजे क्या होंगे, क्या वजह होगी? चुनाव के नतीजे सहानुभूति के आधार पर, मैंने कहा ना उपचुनाव जो भी पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड, आठ में से 2 हमारे खत्म हुए विधायक और 6 इनके हुए, तो इसलिए इन्होंने सहानुभूति के चुनाव पे ये चुनाव हुए, यहाँ कोई मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। जी आपसे ये छोटा सा जवाब क्योंकि समय हो रहा है, क्या लगता है आपको वजह क्या मानी जाए, क्या विकास के मुद्दे रहेंगे या फिर वो सहानुभूति वाला फैक्ट्री यहाँ पर ये काम करके जाएगा? देखिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार है, उसकी जो जनकल्याणकारी योजनाएं वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, वो विकास के मुद्दे हैं, और हम सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं और हम जीत रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि 30,000 बता रहे हैं, लेकिन मैं मेरा फिगर बता सकता हूं कि 18,000 से 30,000 के बीच में ये जीत लगभग निश्चित होगी। हम बैठेंगे दोबारा तो इस पर डिस्कस करेंगे। आपसे मैं छोटा सा जवाब चाहूंगा, जिस तरह की स्थितियां हैं और चुनाव के बाद में अक्सर गांव में देखा जाता है मंथन करते हैं, चौपाल जो लगती है उस पर भी तस्वीर अलग होती है, क्या है वहां पर चर्चा इस समय? बिल्कुल, मैं कहूं तो आपको 1 से 6 नंबर तक के परिणाम बता सकता हूं, जनपद विकास की गरीब करीबी से इस मुकाबले को देखा है। नंबर 6 की बात करते निर्दलीय प्रत्याशी है वो जीत नंबर 6 पर रह रहे हैं, उमेश साहू। 5 की बात करें तो परमानाराम है जो कि पीएनजी पार्टी के हैं। 4 की बात करें तो भाजपा के हैं सावन देखवाल, और 3 नंबर की बात करें तो आईएलपी के हैं लालचंद मूल और अशोक पिंता है वो नंबर 2 पर, और 3 से 4 हजार मतों से अनिल शर्मा चुनाव को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफी करीबी मुकाबला, हालांकि कांग्रेस और भाजपा के बीच में 4 से 5 हजार मतों के अंतर से कोई भी 5 हजार तो हम ही जीतेंगे। बिल्कुल, शुभकामनाएं हमारी कांग्रेस को भी, बीजेपी को और आरएलपी और तमाम उम्मीदवार जीते हैं माधुराम जी, क्योंकि नतीजे जब तक नहीं आ जाते तब तक शायद कहा नहीं जा सकता कि किसके भाग्य में जीत यहां पर लिखी हुई है। फैक्टर कोई भी काम करे, लेकिन जीत वाला फैक्टर अगर किसी के साथ में काम करता है तो वो लीड कर जाता है, और ईवीएम में तमाम लोगों का भाग्य कैद है। 8 दिसंबर का दिन काफी अहम होगा राजस्थान की सीट के लेकर, क्योंकि जोर सभी ने लगाया है, ऐसा नहीं है, चुनाव प्रचार काफी करीब से हमने देखा है, कांग्रेस ने भी देखा कि ये सीट रहनी नहीं चाहिए, तो बीजेपी ने भी सोचा कि अगर इस सीट को निकाल लिया जाए तो सरकार पर एक प्रेशर यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने भी ताकत लगाई कि क्यों ना अपना भी दमखम दिखाया जाए, ताकि राजस्थान में ये भी माने कि लोग आरएलपी की एक पार्टी यहाँ पर है, क्योंकि विधानसभा पिछले चुनाव में भी देखा गया कि उनके उम्मीदवार वहां पर जीत कर निकले थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तस्वीर जो है 8 दिसंबर एक बार फिर से हम देखेंगे कि आखिरकार इस रण के अंदर कौन जीत कर निकलता है, जनता के दिलों में सरदार कौन बना है और सरदार शहर का मुखिया कौन बनकर निकलेगा। तमाम सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।